हमारा पैसा बैंक में पड़े, हमारा पैसा हमें कम नहीं आ रहा है। आज मोदी बोल रहा है कि डिजिटल डिजिटल इंडिया हो रहा है। कैसे डिजिटल हो रहा है? कैसे डिजिटल? ऑनलाइन पेमेंट करो। इतने लोग, हजारों लोग बाहर खड़े हैं पूरे अहमदाबाद में, पूरे इंडिया में कितने लोग परेशान हो रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को किराया देना है, परेशान है लोग। क्या करेंगे पैसे? पैसे बिना, मेरे पास आज पैसा नहीं है, एक रुपया भी नहीं है, मेरा सारे पैसे इसमें पड़े हैं। हम सरकार से कहें ऑनलाइन करो। आप ऑनलाइन करेंगे तो सारा पैसा लोगों को ट्रांसफर हो जाएगा, किसी और बैंक में डाल देंगे। ऑनलाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनको बोलना है। सिर्फ नाना मंत्री को, सीतारमन को बैठे बैठे बोलना है। आज कितनी दिक्कत हो रही है देश में, एक और जीडीपी गिर रहा है, सारे बैंक बंद हो रही है, आम जनता परेशान है। तो मैंने द्वारका से यहाँ पे आते कम से कम 15-20 एटीएम कार्ड में मैंने स्वाइप किया अपना एटीएम कार्ड, बट माय एटीएम कार्ड इज़ नॉट वर्किंग। सो मैं यहाँ पे, मेरे को लगा कि यस बैंक में शायद एटीएम कार्ड चल रहा होगा, तो मैं यस बैंक में आया तो यस बैंक का भी एटीएम मतलब डेबिट कार्ड मेरा काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेरे मैनेजर से बात हुई, उन्होंने बोला है कि आप 50,000 तक का कैश निकाल सकते हो बाय चेक और बाय योर आईडी कार्ड, गिविंग योर आईडी कार्ड। और प्रॉब्लम तो मुझे बहुत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊंगा, अभी वो ऑफिस में है, तो वो आएगा मुझे कैश देगा, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। ये चीज़ है कि अनसर्टेन बना हुआ है पोजीशन जो है, लोगों का एक विश्वास जो है जो बैंकों के अंदर होना चाहिए वो विश्वास धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? बाकी भी हमने, हमारे जो अकाउंट हैं नेशनलाइज बैंक में, उसमें भी कभी कभी डर लगता है, क्योंकि पहले लिमिट थी ये कि अगर मान लो कोई बैंक डूबता है तो 50,000 रुपये मिलेंगे, अब वो लिमिट बढ़ करके 5 लाख तक हो चुकी है। लेकिन आज की डेट में ऐसा फील हो रहा है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो है, जो पब्लिक के अंदर जो पैसा था, मनी था, उसको उस टाइम में खींच लिया, और अब जो है क्योंकि लोगों के अंदर एक सेविंग की जो सोच है, उस सेविंग की सोच को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ जो है ना, पब्लिक का मनी कैसे कहाँ से निकाला जाए वो एक तरीका है, मैं ऐसा समझता हूँ।